माय YouTube फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू ताबीर फैमिली व्लॉग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी। आज असल लाए हैं चिल्ड्रन स्पेशल आलू चीज के पराठे, जो बच्चे बड़े चाव से है खाते। जो साडा मेथड यूज करके आलू चीज के पराठे बनाएगा, वो अपने बच्चों की पप्पिया झप्पिया पाएगा। तो रेसिपी जानने के लिए पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार आओ मेरे साथ, बनाए चीजी रेसिपी एक खास। ये हमने पोटैटो ले लिए हैं, हम इसको अभी बॉईल करेंगे। हमारा पोटैटो बॉईल होता है जब तक हम पराठे का आटा रेडी करेंगे। ये देखिए, हमने आटा ले लिया है। ये गेहूं का आटा है जो हम नॉर्मल चपाती बनाते हैं ना, सिर्फ सेम हमको वैसा ही गूंद कर लेना है इस आटे को। इसमें हम सबसे पहले सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा। इस तरीके से हमें सॉल्ट को मिक्स कर लेना आटे में। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें आटे का सॉफ्ट डो तैयार करना है। इस तरीके से मसल मसल कर हमको हमारा डो रेडी करना है, ताकि हमारे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे बनकर रेडी हो। जितनी अच्छी मुठियाँ लगाओगे ना आप आटे में इस तरीके से, उतनी आपकी रोटियाँ फूली फूली सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। अब हम हमारे आटे को सेट होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे, जब तक हम हमारी फिलिंग की रेडी करेंगे। ये देखिए, हमारे पोटैटो बॉईल हो चुके हैं। ऑनियन को बारीक बारीक कट कर लिया है। ये हमने कोथमीर ली है। ये हमने ग्रीन चिली, करी लीव्स और जिंजर। इसमें हमें गार्लिक का यूज नहीं करना है, इसलिए हमने थोड़ा सा जिंजर ऐड किया है। और सूखे मसाले में हमने गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला और नमक लिया है इसमें। और हमें हमारा पराठा, हम चीज़ी बना रहे हैं तो इसमें तो चीज़ लगेगा, इसलिए चीज़ हमने देखो ऐसा करके रख दिया है। और हम पराठे अपने बटर में बनाने वाले हैं तो बटर ले लिया है। ये हमने मिक्सअप लिया है। पहले हम ये पोटैटो को अपने घिस कर ले लेंगे, ताकि इसमें कुछ लम्स वगैरह ना रहे जिसकी वजह से हमारे पराठे टूटे। इसीलिए हम इसको इसकी मदद से इस तरीके से घिस कर लेंगे। बहुत जल्दी होता है, फटाफट आप कर लीजिएगा। हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं पराठे, चीज़ पराठा, इसीलिए हम इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे। नहीं, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करने से, मसालों का यूज़ करने से हमारे चीज़ का फ्लेवर नहीं आएगा, इसलिए जितना हो सके हम कम मसालों का यूज़ करेंगे इसमें। इस तरीके से देखिए, हमें घिस कर लेना है। हमने सारे पोटैटो को घिस कर ले लिया है। चलिए अब हम इसकी फिलिंग रेडी करते हैं हमारे पराठों की। ये देखिए, हमने गैस पर पैन रख दिया है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, 2 स्पून। ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है हमें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऑनियन को हम ऐड करेंगे। ऑनियन हमें एकदम बारीक बारीक चॉप करना है, जितना हो सके उसे बारीक ही चॉप करिएगा, क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हम हर चीज़ को उनके अकॉर्डिंगली रेडी करेंगे। क्योंकि बड़े बड़े पीसीज वगैरह आते हैं तो बच्चे फेंक देते हैं निकाल कर। अभी हम इसे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना है, तो हमारे ऑनियन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक इसे फ्राई। देखिए, हमारे ऑनियन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें अपनी चिल्ली, करी लीव और जिंजर इसका पेस्ट, दलदरा पेस्ट ऐड करेंगे। चिली हमने बच्चों के लिए पीस कर लिया है, आप चाहते हो तो कट कर कभी डाल सकते हो। हमारे बच्चों को ऐसा पसंद नहीं है कट रहा है किया हुआ। अब इसका थोड़ा कच्चापन चला जाए, तब तक हमें पकाना है। देखिए, हमारा मसाला सूख चुका है, अच्छे से पक चुका है। अब हमारे सूखा मसाले से हम ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा हम कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। देखिए, हमारा मसाला अच्छे से कुक हो चुका है। हमारे पोटैटो को हम इसमें मिक्स करेंगे इस तरीके से। हम इसमें अपनी कोरिएंडर भी ऐड कर लेंगे, ताकि सब एक साथ मिक्स हो जाए। ये हमारा मिक्सअप ऐसे हम क्रश करके ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारी फिलिंग इतनी टेस्टी रेडी होती है ना, ये आपके बच्चे तो आपको बार बार बोलेंगे तो माँ हमें चीज़ी पराठे खिलाओ ना, आलू चीज़ दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिलता है ना। देखिए, हमारी यमी मज़ेदार फिलिंग बनके रेडी है। अब हम इसे हमारे बाउल में शिफ्ट करिए, ताकि ये जल्दी से ठंडी हो और हम हमारे पराठे को रेडी करें। चलिए मिलते हैं पराठा बनाने के टाइम। ये हमारा डो कितने अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट हमने रेडी कर लिया है। अब हमारी फिलिंग भी रेडी, हमारा बटर और चीज़ भी रेडी, तो अब किस बात की देरी। चलिए बनाना शुरू करते हैं चीज़ी पराठे। इस तरीके से राउंड में पेड़ा ले लेंगे। थोड़ा बड़ा सा हुई है, इस तरीके से गिर कर लेना है। अब हम इसमें हमारी फिलिंग, पोटैटो फिलिंग को ऐड करेंगे। देखिए, अब इसमें जाएगा हमारा चीज़। देखिए, आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ में चीज़ का यूज़ इसमें कर सकते हो। फिलिंग कितनी डालनी है आपको, आपको चीज़ कितना डालना है, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ठीक है, हम ये बंद कर देंगे। इस तरीके
से एकदम स्लो स्लो, मैं इसे ज़्यादा प्रेशर से नहीं बेलना है, एकदम लाइट हैंड से बेलना है। देखिए इस तरीके से। अब हम पराठे को अच्छे से सेकेंगे, उसमें बटर लगाएंगे। बटर लगाने में हमें कंजूसी नहीं करनी है, बटर अच्छे से हमें लगाना है। देखिए कितना यमी हमारा पराठा बनकर रेडी हो रहा है। इसे अच्छा हमें क्रंची करना है। देखिए कितने अच्छी तरीके से हमारा क्रंची आलू बटर चीज सबसे भरपूर पराठा रेडी है। चलिए फिर मिलते हैं सर्व करने के टाइम। हमारे चीजी यम्मी पोटैटो पराठे रेडी है, बच्चों के फेवरेट। देखिए कितना चीज़ है इसमें, इतना चीज़ होने के बावजूद भी ये कहीं से टूटे नहीं। बटर में इसे मिलाइए और पराठे के मज़े लीजिए। चीज़ देखिए, मुझे तो मुंह में पानी आ रहा है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल को अच्छा लगता है। अल्लाह हाफिज़।